नमस्कार, मैं ज्योति जोशी काठल टुडे में आपका स्वागत करती हूं। अरनोद उपखंड में टायर चोर गिरोह का 5 आरोपी गिरफ्तार। सालमगढ़ पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से और भी वारदातें खुलने की संभावना है। थाना अधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि लक्ष्मी नारायण पुत्र रतनलाल चौधरी निवासी दलौट ने रिपोर्ट दर्ज करी थी, जिसमें 5 अगस्त की रात्रि को घर के बाहर खड़ी बुलेरो के टायर चोरी होने की रिपोर्ट कर दी थी। रात्रि को बाहर गाड़ी में कुछ आवाज़ आई, जिससे वह बाहर और देखा तो कुछ युवक टायर खोलकर अन्य गाड़ी में डाल रहे थे। उसे देखते ही वे लोग गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने इसके लिए एक टीम का गठन किया है। गठित टीम ने मुखबिर लगाया, जिसके उक्त चोरी में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कालू राम, दिनेश, गौतम, शांतिलाल थाना पुलिस पीपलकोट को हिरासत में लिया। पूछताछ में चोरी की वारदात कबूल की है। आरोपियों ने अन्य चोरों की वारदात को भी कबूला है। दलौट से मुकेश शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट। सूचना मिली थी दलोड कस्बे से खड़ी पिकअप के 2 टायर अज्ञात बदमाशों ने निकाल लिए हैं। लोगों की जाग होने से चोर क्रूजर गाड़ी लेके भाग गए। सूचना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई करने शुरू की। मुखबिर तंत्र तथा तकनीकी सहायता से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कालू राम पिता शंकर मीणा निवासी पीपलकोट, दिनेश पिता लक्ष्मण मीणा निवासी पीपलकोट, गौतम पिता मोहन, शांतिलाल पिता दल्ला तथा कन्हैया पिता वालजी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 5 लोगों ने यह घटना तथा आसपास के इलाकों में और भी ऐसी घटना करनी कबूल की है। एक स्टेप ने बरामद हो गई है, बाकी माल और गाड़ी बरामद करनी है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।